दलाल मीडिया मुर्दाबाद, पड़वा मीडिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद दलाल हूँ अखा मार लड़ जिन्हें मर्जी। चलो वो क्या कह रहे हैं उन्हें कहने दो, उनसे फर्क नहीं पड़ रहा, आप वो हमारे नहीं है, आप हमारे हैं। ये आज तक चैनल जेड़ा बकाऊ चैनल है मोदी दा, मोदी दा खरीदा हुआ चैनल है ना नहीं। लेकिन गोदिया मीडिया आज ये बता नहीं रहा, क्योंकि ये मोदी के तलवे चाट रहा है, अडानी और अंबानिया के तलवे चाट रहा है, इसको शर्म आनी चाहिए। देश में किसानों का जो आंदोलन जारी है उसमें गोदी मीडिया का जमकर विरोध किया जा रहा है, क्योंकि मेनस्ट्रीम मीडिया कभी किसानों में खालिस्तान या फिर टुकड़े टुकड़े गैंग जैसे नई चीजें खोज लाता है। मीडिया की नज़र किसान के मुद्दे पर नहीं है, यही कारण है जब पत्रकार किसानों से बात करने जाते हैं तो उन्हें भगा दिया जाता है। ऐसा एक वाक्य जी न्यूज के पत्रकार के साथ हुआ, जब वह किसानों से बात करने पहुंची तब उसका विरोध हुआ और नारे भी लगे। इंडिया न्यूज का पत्रकार जब किसानों के बीच उनसे बात करने गया तो किसानों ने उनसे बात करने से रोका, फिर वहां से भगा दिया। बहुत ही सत्कारयोग किसान वीरो, पंजाब वासियो, आ देखो इंडिया न्यूज, ये न्यूज इंडिया चलता पाया वा, पिछले 60 दिनों तो आपां दलाल मीडिया गोदी मीडिया कली मोदी की गल नहीं करते पे है। इस दलाल मीडिया एक बार कली मोदी की गल नहीं करते पे है। एस टाइम इन्होंने यही देखना कि वीक बना डिबेट खेड़ा वा। यह दलाल मीडिया गोदी मीडिया कली मोदी की गल करता वे। यह न्यूज इंडिया न्यूज वाले, जी न्यूज इंडिया न्यूज आज तक वाले, इन्होंने कोई भी अज तक टीवी के उत्ते देख लो, कोई भी टीवी के किसानों वाले गल नहीं की। किसानों वाले गल नहीं की, ये उन्होंने गदा खड़ा गोदी मीडिया मुर्दाबाद, गोदी मीडिया मुर्दाबाद, दलाल मीडिया मुर्दाबाद, पड़वा मीडिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद दलाल हूँ अखा मार लड़ जिन्हें
साठ दिन पचासी हजार रुपया पंजाब एक तो बड़ी भी चैनल आया इतने बोलो माहौल नहीं खराब खराब कर रहे पहला साठ दिन कितने साठ दिन पचासी हजार रुपया अच तक आए क्यों नहीं भाजी इनी दलालगिरी ना करो इनी दलाली। रिपब्लिक टीवी की पत्रकार जब किसानों के बीच पहुंची तब उनकी बातों से नाराज किसानों ने उन्हें जाने को कहा, फिर भी वह उनसे बात करने को कहती रही। प्रांत में किसानों के विरोध के बाद उन्हें जाना पड़ा। तो यहाँ पर गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। और मेरा मीडिया बंधुओं से भी अनुरोध है, कृपया नेगेटिविटी ना दिखाएं। और खास चलो वो क्या कह रहे हैं उन्हें कहने दो, उनसे फर्क नहीं पड़ रहा कि आप वो हमारे नहीं है, आप हमारे हैं। आप उन्हें कहने दो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। किसान भाइयों, किसी आईडी पे आर लिखा है उसके सामने बोलिए मत। जब आज तक की पत्रकार किसानों से बात करने पहुंची तो उसे भी किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा। बना रहे हाँ जी भाई जी, ए पिंड दौण कला ए आज तक चैनल जेड़ा बकाऊ चैनल आ मोदी दा, मोदी दा खरीदया होया चैनल आ। इन्हां ने एक भी खबर अज तक जिमीदारां दी नहीं दिखाई भी रेलां ते पटड़ियां ते बैठे ने, सड़कां ते बैठे ने, धरने लगे हुए ने। एक जिमीदार ने अग लाई, असी लवाई आ, असी अपने असी उगराह जथेबंदी वालों अपनी जिम्मेवारी असी लवाई है। अग जो पर्चा करना साडे ते होवे, जिन्ना चिर इत्थों माफी नहीं मंगदे ਸਾਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲਏ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਡਮ, ਮੈਕ ਦਿਖਾ ਦੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਡਮ, ਮੈਕ ਦਿਖਾ ਦੋ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਨੇ
इधर देखो जिमीदार मारता नहीं दिखा इन्हों। किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। मीडिया के द्वारा इस आंदोलन को भटकाने की जो कोशिश है, इसी वजह से किसानों में गुस्सा है। जब पत्रकारों ने किसानों से बात की मीडिया बारे में, तब उन्होंने ये बताया। अभी मीडिया को ये भी कहना चाहते हैं, हमारी जो मांगे हैं ना, हमारी जमीन की जो जायज मांगे हैं, इसको डिवर्ट करके लोगों को भ्रमित ना किया जाए। जो कहते हैं कि किसान भ्रमित है, हमसे कोई भी, हमारे बीच में सभी पढ़े लिखे, कोई इंजीनियर है, कोई बीटेक है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, हम कनाडा में, हम अमेरिका में, कहाँ कहाँ नहीं है, हर देश में हमारी सपोर्ट हो रही है। लेकिन गोदिया मीडिया ये बता नहीं रहा, क्योंकि ये मोदी के तलवे चाट रहा है, अडानी और अंबानिया के तलवे चाट रहा है, इसको शर्म आनी चाहिए। गोदी मीडिया शेम शेम। आज तक को जी न्यूज, हम इन दोनों के खिलाफ हैं। हम ज्यादातर पूरा भारत इनको देख रहा है फिलहाल, और ये बता रहा है ये जो मूवमेंट है ये पंजाब की है, ये आतंकवादी है, ये खालिस्तानी है, ये पंजाब से फंडिंग आती है। हम बताना चाहते हैं, एक साल का राशन लेकर बैठे हैं, हमें कोई बाहर से फंडिंग नहीं आती। हम पूरे भारत का जो पेट भरने वाले हैं, हमें किसी के टुकड़ों पर जीने की जरूरत नहीं है। जब तक सरकार किसानों के साथ मिलकर कोई हल नहीं निकालेगी, तब तक प्रदर्शन जारी रहेंगे। अब सरकार आगे क्या करती है और मीडिया क्या किसानों की आवाज बन के उभरेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।